मेरा नाम शशांक सिंह है और मैं सेलेस सर से पिछले 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आप ये बोलिए कि एक्टिव वर्किंग जो होती है वो पिछले 2 साल से मैं सर के साथ में काम कर रहा हूँ। और सर का एक सीन होता है कि लोग एम्प्लॉई आते हैं उनके यहाँ, फिर उसके बाद वो मालिक बन जाते हैं। तो आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी ऑल्सो। और अभी हमने ये इसे क्या बोलते हैं मीडिया और इंटरटेनमेंट का एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें राम सर मेरे पार्टनर हैं, मनोज जी भी मेरे पार्टनर ही हैं। तो अभी हम लोग बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, मतलब मैं किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा अभी आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो A+ स्टार है, मैं खान्स की बात नहीं करता, लेकिन उससे नीचे के जो स्टार हैं उनके साथ अभी हमारा बराबर चल रहा है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली प्लान किया है गुरु जी, ये जो युग कुमार दास जिनसे आप लोग अभी मिले, शिबू सोरेन साहब का नाम तो आपने सुना होगा, हम लोग उनकी बायोपिक पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए तो आप समझ रहे हैं कि कोई बड़ा ही स्टार चाहिए होगा, क्योंकि अगर शिबू सोरेन साहब की अगर बायोपिक बन रही है तो फिर तो एक बड़ा ही स्टार कर सकता है, अदरवाइज दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी काफ़ी चीज़ें हमारी चल रही, हमारा प्राइम फ्लिक्स से चल रहा है, हमारा अमेजोन से चल रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि मीडिया और इंटरटेनमेंट का जितनी भी दावेदारी है वो मेरी है कि भाई आपको इतना बिजनेस अरेंज करना है और मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँगा यहाँ पे, ये मेरी। बहुत अच्छा काम उन्होंने आज ओपनिंग किया है, तो क्या उनको शुभकामनाएं दी? ये किस कंपनी का नाम? सानिया कंपनी। नमस्कार, पहले तो हमारे जो न्यूज चैनल के हमारे सभी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, और जो भी न्यू लॉन्च ऑफिस हुआ है सानिया का, इस सानिया ऑफिस के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से देश को नए युवक जो हैं, स्टार हैं, छोटे छोटे स्टार हैं, उनको एक मौका मिलेगा, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और सानिया कंपनी के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है, हमें लगता है कि भारत में इसका नाम बहुत जल्दी से नाम होगा, और हम चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में नाम हो। और इस ऑफिस के किया कि नए लोगों को चांस मिलेगा, और आज यहाँ पे आपके बगल में बैठी नई कलाकार है, तो जानना चाहेंगे कैसे ये कास्ट हुआ आपका? सर कास्ट का तो मत पूछिए, मैडम को तो बहुत सारे ऑफर आए थे, लेकिन अब हम जैसे छोटे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं जी, तो मैम के पास टाइम मिला, मैम मेरे से मिली, मुझे इनका लुक, इनका हाइट, क्योंकि मैं ऑलरेडी एसोसिएट डायरेक्टर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी फिल्में की बड़ी बड़ी, अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, तो ये कहीं मुझे दिखी मेरे किसी गाने में फिट, तो मैंने उनको ऑफर किया कि आप करोगे? तो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कोई बात नहीं आप करो जी। और बाकी ऑफर तो इनको बहुत सारे आए थे। कैसा रहा अपना आपका अनुभव यहाँ पर, कैसे आपको यहाँ पे कास्ट कर दिया गया, क्या? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इससे पहले कहीं भी मैं जाती थी ऑडिशन वगैरह देने, तो वहाँ पे इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता था, पर यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई और इन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप मेरे साथ वीडियोस, हमारे साथ वीडियो सॉन्ग करेंगे, तो जो है आज जो है एक नया जोश के साथ आ रहे हैं और आपके सामने धन कुबेर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? ब्यूटीफुल, मैं बधाई देता हूँ सबसे पहले आप लोगों का, थैंक यू कि आप सब लोगों की उपस्थिति है, जाहिर सी बात है मीडिया एक माध्यम है और आपकी मौजूदगी ही सक्सेस देती है। तो मैं अपने जैन साहब भाई को, यूथ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक वाणी कही थी, द डिपेंड्स ऑफ द इंडियन फ्यूचर ऑन द शोल्डर्स ऑफ द इंडियन यूथ, भारत के युवाओं पे भारत की उन्नति है उनके कंधों पर है। तो यूथ है और एक अच्छा बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, और फिल्म नगरी को, फिल्म वालों के लिए भी इन्होंने कहा है कि हम उनको सपोर्ट भी करेंगे जी। आप तो जुड़े हैं फिल्म से और अवार्ड भी आप करवाते रहते हैं, तो किस प्रकार से सर इस बार कुछ आपकी कुछ खास चीजें आने वाली हैं, लोगों को अभी इंतजार है, तो 29th ऑफ दिसंबर में JW मेरियट में जुहू में अपना अवार्ड है टाइफा जी, और आप सब लोगों को मैं वहाँ पर वेलकम करता हूँ। और खास ये होगा कि इस बार बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े किंग वहाँ मौजूद होंगे जी, ये खास बात होगी, और आप लोगों के आशीर्वाद से उस दिन हम एक बहुत बड़ा, जो आप आजकल वेब सीरीज देख रहे हैं उसका एक प्लेटफॉर्म भी हम लॉन्च करने वाले हैं 100 फ्लिक्स के नाम से। माय नेम इज शैलेश कुमार जय, हिंदी में एक्चुअली मैं 14 साल बैंकिंग में था, मैं पहले लास्टली HDFC बैंक का बिजनेस बैंकिंग हेड था बॉम्बे का,
उसके पहले मैं गुजरात रहता ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक में। 2009 में मैंने अपनी कंपनीज चालू की, सानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी सानिया ग्रुप की 50 कंपनी इंडिया में और 28 कंपनी अब्रॉड में। ये कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स में डील करती हैं, जैसे मेजर रियल इस्टेट है, फाइनेंस है, हॉस्पिटलिटी है, फिर जैसे फोटोकैम है, ट्रेडिंग बिजनेस है। सभी चीज़ों में करने के बाद भी जैसे होता क्या है कि जैसे जिन लोगों को अगर बैंक और NBFC से लोन नहीं मिलता है कोई सिविल के इशू की वजह से या डॉक्यूमेंट्स के इशू की वजह से, तो उसे मैं फाइनेंस करता हूँ, चाहे वो 1 लाख का लोन हो या 20 करोड़ का लोन हो, लेकिन मैं ही करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी बहाने से लोगों की परिस्थितियों को समझते हुए उनकी सिचुएशन में मदद भी करता हूँ उस चीज़ के लिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो बैंक और वो सब चीज़ नहीं दे पाएंगे। अभी सानिया ग्रुप ने होल ओवर इंडिया में एजेंसीज ली है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की भी, बैंकिंग प्रोडक्ट्स की, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब चीज़ की भी। तो इसलिए हमने अपने 150 एम्प्लॉय का ये ऑफिस खड़ा किया है, तो आज से शुरुआत है इसकी, और आप लोग आए हैं तो आप लोग के सपोर्ट से और आगे बढ़ूंगा उस चीज़ के लिए। अच्छा, इस फिल्मी एरिया में आपने खोला? फिल्मी एरिया में, हाँ, हाँ फिल्मी एरिया में ऐसा है कि कमिंग 7 डेज में आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी कि हम ए कैट्स और बी कैट्स वालों के साथ हमने, और सैटेलाइट बिजनेस में भी मैंने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हुआ है, तो उससे मेरी बातचीत चालू हो गई है, और शायद 7 या 10 दिन में मैं अनाउंस भी कर दूँगा उस चीज़ के लिए कि हम, मैं मूवीज़ कर रहा हूँ, 3-4 मूवीज़ हैं जो एक ऐड लोगों के साथ कर रहा हूँ, और सैटेलाइट बिजनेस में भी और सीरियल्स वेब सीरीज में भी हूँ। आई एम अ प्योर इन्वेस्टर। कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कि सचमुच में ज़रूरत है उनकी हर तरीके से मदद की जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे MD साहब का क्या है कि जो भी यहाँ पे आता है, जैसे लोग बहुत जगह से निराश होकर आते हैं जिनको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, आपको पता है बैंकों की जो हालत है, और इस समय जो रिसेशन का पीरियड चल रहा है उसमें बैंक्स और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में उस आदमी को ऐसा लगना चाहिए कि उसकी यहाँ मदद हो सकती है, क्योंकि इस पर्पज से इट इज नॉट ओनली बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर, इट इज फॉर द हेल्पिंग आउट ऑल्सो पीपल, क्योंकि एक समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है जिसको निभाने के लिए हमारे शैलेश जी प्रतिबद्ध।